Hi friends, good evening. How are you? Hope all are safe. मी आहे प्रणू आणि तुम्ही माझं चॅनल बघत आहात प्रणू प्लॅनेट, जिथे मी शिकवते लर्न विथ फन. सो आफ्टर लेटर एफ विच लेटर इज कम? लेटर जी, कॅपिटल जी. द साऊंड ऑफ लेटर जी इज ग. ग जी फॉर गर्ल. Girl, girl. In this video, we learn how to draw, how to paint, and how to write G alphabet and lots of worksheet. So without waste time, just start. Now we meet letter G, friends. Okay. So first, girl. Girl. G for girl. G for goat. G for goat. Bakri. G for garden. G for garden, a place of the land next to the house where vegetable and flower can be grow. आपल्या घराच्या समोर, हमारे घर के सामने जो लैंड होता है, जमीन होती है, वहाँ पे जो फूल और फल जहाँ पे ग्रो होते हैं, उस एरिया को बगीचा मीन्स गार्डन कहते हैं. ओके. सो गार्डन में आया, ग्रास, गवत, घास. जी फॉर ग्रास. जी फॉर ग्रास. नेक्स्ट, जी फॉर जिराफ. जी फॉर जिराफ. जी फॉर गन. जी फॉर गन. जी फॉर गेम. जी फॉर गेम. कॉम्पिटिशन एंड एक्टिविटीज प्रोवाइडेड इंटरटेनमेंट. स्पोर्ट, जो खेल होते हैं, उसे इंग्लिश में गेम कहते हैं. जी फॉर गेम. जी फॉर गिटार. जी फॉर गिटार. जी फॉर गोल्ड, सोना. जी फॉर गोल्ड. एंड नॉट द लीस्ट, लास्ट, जी फॉर गॉड, भगवान, बाप्पा, देव. जी फॉर गॉड. जी फॉर गॉड. दिस इज अवर फर्स्ट वर्कशीट. इन दिस वर्कशीट वी लर्न हाउ टू ड्रॉ कैपिटल जी विथ द यूज ऑफ दिस पैटर्न, लाइन पैटर्न एंड कर्व पैटर्न. तो आपल्याला या लाइन एंड कर्व पैटर्न पासून जी बनवायचा आहे. हम जी बनाएंगे इस पैटर्न से. इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें तीन पैटर्न्स की ज़रूरत है, राइट कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. ओके. सो नाउ वी ड्रॉ कैपिटल जी. सो फर्स्ट इज राइट कर्व, सेकेंड स्टैंडिंग लाइन एंड थर्ड स्लीपिंग लाइन. ओके. दिस थ्री पैटर्न. फर्स्ट राइट कर्व, गो अप स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड एंड थर्ड इज स्लीपिंग लाइन. सो नाउ लेटर जी. दिस इज अवर सेकेंड वर्कशीट. इन दिस वर्कशीट वी लर्न हाउ टू ट्रेस कैपिटल लेटर जी. सो फर्स्ट हम डॉट बना लेंगे जी का. मार्केट में ये बुक स्लेट अवेलेबल होती है स्टेशनरी के यहाँ पे. सो फर्स्ट हम डॉट से जी बनाएंगे. हम बच्चों को इस डॉट को ज्वाइन करने के लिए कहेंगे. सो फर्स्ट गो टू द रेड लाइन, देन राइट कर्व, गो अप, कम डाउन एंड स्लीपिंग लाइन. अगेन गो टू द रेड लाइन, राइट कर्व, गो अप एंड कम डाउन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. राइट कर्व, गो अप, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, कैपिटल लेटर जी. एंड दिस इज थर्ड वर्कशीट. मैजिक बोर्ड या पेपर, यू कैन यूज़ पेपर
So draw G, first three lines. Go to the first line, then right curve, go up, come down, standing line and slipping line, second line by slipping line. Do it again, right curve, go up, standing line and slipping line, capital letter G. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आणि शिकवण्याची या पद्धती आहे त्या आवडत असतील तर मला लाईक करा, सर्वांबरोबर शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. आणि तुमच्याकडे काही आयडियाज असतील किंवा काही सजेशन असतील तर माझ्या कमेंट्स बॉक्समध्ये प्लीज मला कळवा, ज्यामुळे मला हेल्प होईल. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय चॅनल. थँक्यू, बाय बाय अँड गुड डे.